हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो, एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया मिलने का। और आज के दिन एक बार फिर से हम ऑनलाइन के माध्यम से कनेक्टेड हैं कि हम खुदा के वचन के द्वारा सीख सकें कुछ बातों को। अक्सर मैंने देखा अपनी लाइफ में, ऑब्जर्व किया बहुत सारे जीवनों में, उनकी एक प्यास होती है और वो प्यास होती है कि वो परमेश्वर के दुगने अभिषेक को पा सकें, परमेश्वर के दुगने अभिषेक को रिसीव कर सकें। होती है, हम सबों की ये प्यास होती है। जब मैं प्रभु में आया तो मेरी ये जील थी, मैं खुदा से हमेशा एक प्रार्थना करता था कि प्रभु जैसे आपने एलिशा को दुगना अभिषेक दिया एलिया का, वैसे ही प्रभु मेरे जीवन पे भी आपका दुगना अभिषेक आए, आपका दुगना सामर्थ मेरे जीवन में काम करे। और मैं रेगुलर इस चीज के लिए विनती करता था और बहुत प्यास के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाया करता था। परमेश्वर के साथ समय बिताने के बाद, उस अभिषेक में बढ़ने के बाद, मैंने कुछ चीजें परमेश्वर के वचन से सीखी और वही स्टेप्स मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं आज के दिन में। वही स्टेप्स जो परमेश्वर के दुगने अभिषेक को आपके जीवन में ला सकता है, वही स्टेप जो आपके जीवन में परमेश्वर के दुगने अभिषेक को ला सकते हैं, उन स्टेप्स को मैं आज आपसे बांटना चाहता हूं। परमेश्वर के कलाम से हम देखेंगे एलिया एलिशा के जीवन के संदर्भ में हम लोग सीखेंगे कुछ बातों को, कैसे एलिशा के जीवन के ऊपर एलिया का दुगना अभिषेक आया। इन दोनों की लाइफ से हम कुछ चीजों को ऑब्जर्व करेंगे और विशेष करके एलिशा के जीवन से हम सीखेंगे कि क्या स्टेप्स उसने लिए कि वो परमेश्वर के दुगने अभिषेक को पा सके, जो एलिशा के ऊपर अभिषेक था उसका दुगना अभिषेक को पा सके। आइए निकालिएगा पहला राजाओं की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय और उसके 19वें वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं बारबी के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी, तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। प्रियो, बहुत ही अद्भुत ये वचन है और जब आप इस वचन को पढ़ेंगे आप बहुत सारी चीजों को पाएंगे। परमेश्वर एलिया को कहते हैं कि तू जा और एलिशा का अभिषेक कर, यानी कि पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए जन होने चाहिए, जिसको परमेश्वर अपनी सेवा के लिए बुलाता है, जिसके जीवन में बुलाहट पाई जाती है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके जीवन में बुलाहट होनी चाहिए परमेश्वर की ओर से, कि आप परमेश्वर की सेवा करें, कि आप परमेश्वर की सेवा को अंजाम दें। उससे पहले आपके जीवन में एक कॉलिंग होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर एलिया से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि तू जा और एलिशा का अभिषेक कर। और बाइबल में लिखता है कि एलिया जाता है और एलिशा कुछ काम कर रहा था अपने खेतों में, वो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं बारबी के साथ होकर हल जोत रहा था। वो एक काम में लगा हुआ था, उसे पता नहीं था, पर एलिया वहां आता है और अपनी चद्दर उसके ऊपर डाल देता है। और जैसे ही एलिया उसके ऊपर चादर डालता है, एलिशा समझ जाता है कि प्रभु के नबी ने कुछ मेरे साथ किया है, अर्थात मुझे परमेश्वर ने चुना है, मुझे बुलाया है। और वो उसका प्रत्युत्तर देता है
और वो तुरंत कहता है कि मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। पर एलिया कहता है कि मैंने तेरे साथ क्या किया है, लौट जा। आपको मालूम, यहां पर जब उसके ऊपर जब परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया, उसके बाद उसने पहला स्टेप लिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहला स्टेप उसके जीवन में क्या था। बाइबल कहती है 21वें वचन में, तब वे उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया। एलिशा क्या कर रहा था? एलिशा अपने पुराने एक जीवन में काम करता था, वो हल जोतता था, बैलों को चराता था। ये उसका फॉर्मल लाइफ था, ये उसकी पुराना जीवन था। लेकिन जैसे ही एलिया ने उसको अभिषेक किया, आपको मालूम पहला ही काम उसने क्या किया? उसने पहला काम ये किया कि उसने अपनी फॉर्मल लाइफ को छोड़ दिया, पुराने जीवन को उसने त्याग दिया। यहां पे लिखता है कि उसने बैलों को क्या किया, बलि किया और उनका मांस पकाकर लोगों को दे दिया, खिला दिया। यानी कि अब उसके पास कोई साधन नहीं था जिससे वो पहला जो काम कर रहा था, अपनी जो पहले चीजें कर रहा था, उन सारी चीजों को उसने छोड़ दिया। यहां पे हम पहली चीज देखते हैं कि आपको अगर आप परमेश्वर का अभिषेक चाहते हैं, दुगना अभिषेक चाहते हैं, तो पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने पुराने जीवन को त्यागना पड़ेगा। पुराने जीवन से मतलब वही पुरानी संगतियां, पुरानी व्यर्थ की बातें, पुरानी व्यर्थ की चीजें, वो सब आपको त्याग करना पड़ेगा अगर आप परमेश्वर के दुगने अभिषेक को चाहते हैं। अगर आप उसी जीवन में बने रहेंगे, उन्हीं संगतियों में बने रहेंगे, उन्हीं चीजों में आप पाए जाएंगे, तो याद रखिएगा, आप खुदा के दुगने अभिषेक तक पहुंच नहीं सकते। आपको अपने पुराने जीवन का त्याग करना पड़ेगा। जैसे आप पहले जीवन जीते थे, उन चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, तो आपको उन पुरानी चीजों को त्याग कर आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है वो पुरानी कुछ आदतें हों, हो सकता है वो पुरानी कुछ ऐसी चीजें हों जिनके कारण से आप पाप में गिर सकते हैं, जिनकी वजह से आप पाप में जा सकते हैं। वो सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, है ना। गपशप का जीवन, बुरी संगतियों का जीवन, बुराई का जीवन, ये सारी चीजें आपको त्याग करनी पड़ेंगी। और एलिशा ने पहला काम किया, वो जान गया कि मेरे ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है, मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है और अब मुझे ये त्याग करना पड़ेगा। और इसलिए उसने अपने फॉर्मल लाइफ को त्याग दिया और त्याग कर वो आगे बढ़ा। आपको मालूम परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे फिलिप्पियों उसका तीसरा अध्याय उसके 13 पद से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर का दास पौलुस ये कह रहा है कि मैं पुरानी जो पीछे की जो बातें हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि मैं इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस कह रहा है मैं पुरानी बातें छोड़कर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, क्योंकि मसीह ने मुझे बुलाया है, ऊपर बुलाया, यानी कि परमेश्वर ने मुझे एक लेवल आगे बुलाया है, एक बुलाहट मेरे जीवन में है। और वो कह रहा है, मैं अपनी बुलाहट की ओर केंद्रित हूं, मैं पुराने बातों को भूलता हूं, पुरानी चीजों को भूलता हूं और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और ठीक यही चीज एलिशा ने करी। एलिशा ने अपनी फॉर्मर लाइफ का त्याग किया और अपने निशाने को जानकर कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है नबी होने के लिए, और अपनी उस बुलाहट के प्रति उसने खुदा को प्रत्युत्तर दिया और उसी बुलाहट में चलना आरंभ किया। परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि आप सबसे पहला जो स्टेप है आप उसे लें, आप
पुराने जीवन में बने रहकर परमेश्वर की नई चीजों को एक्टिवेट नहीं कर सकते, नई लाइफ को आप रिसीव नहीं कर सकते। बाइबल कहती है ना, पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जा सकता। पुराने जीवन से बाहर आपको आना पड़ेगा, पुरानी उस लाइफ से आपको बाहर आना पड़ेगा, उन चीजों का त्याग करके एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने निशाने पर केंद्रित होना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए खुदा ने आपको बुलाया है। एक लेवल परमेश्वर चाहते हैं आप आगे बढ़े, और पहला स्टेप है कि आपको फॉर्मल लाइफ त्यागनी पड़ेगी। पुराना वो जीवन जो गुनाहों का है, जो व्यर्थ बातों का है, व्यर्थ संगतियों का है, पाप का है, वो सब आपको छोड़कर अपने निशाने पर केंद्रित होना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप पुरानी चीजों में पड़े रहे तो आप अपने गोल से भटक जाएंगे, अपने निशाने से भटक जाएंगे। हालेलुया। आपको मालूम जो धावक है जब वो दौड़ता है वो जानता है उसका एम क्या है, उसका टारगेट क्या है, और वो अपने टारगेट पे फोकस रहता है। वो इधर उधर की चीजों पे ध्यान नहीं देखता। अगर वो दौड़ने वाला है तो उसका टारगेट उसे पता है, उसे सीधा दौड़ना है, कहाँ दौड़ना है, वो सब कुछ जानता है। एक तीरंदाज जानता है उसका निशाना क्या है, उसका गोल क्या है, और उसे कैसे अचीव किया जा सकता है। हालेलुया। आपको त्याग करना पड़ेगा। जब आप रेस में जाते हैं, जब आप ओलंपिक्स में जाते हैं, जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो जानते हैं कि उन्हें अननेसेसरी चीजों का त्याग करना पड़ता है ना, जो नेसेसरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। वेट है, एक बहुत मोटा हैवी व्यक्ति कैसे दौड़ेगा, तो उसे अपने वेट का त्याग करना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा अपना वजन, है ना, अपनी स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी मसल्स की, उसे त्याग करना पड़ेगा वो सारी चीजें, है ना, वो जंक फूड, वो सारी बातें जो उसको ओवरवेट करेंगी या उसके वेट को गेन करने में हेल्प करेंगे, उन सबको उसे छोड़ना पड़ेगा, तभी वो एक रेस में अच्छे से दौड़ पाएगा, है ना। परमेश्वर यही हमें सिखा रहे हैं। पहला स्टेप है, और वो स्टेप है कि आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल लाइफ को त्यागना पड़ेगा, उस पुराने जीवन का त्याग करना पड़ेगा, उन पुरानी बातों का त्याग करना पड़ेगा। दूसरी चीज बाइबल कहती है, 21वें ही वचन में लिखा है, और उन्होंने खाया तब वे कमर बांध कर एलिया के पीछे चला। पहली चीज उसने सेक्रीफाइस कर दिया, अब लिखा है वो कमर बांध कर एलिया के पीछे चला। कमर बांध कर के मतलब है वो अपने मेंटोर को फॉलो कर रहा था, है ना, उसे जो अभिषेक चाहिए था, जिसका अभिषेक चाहिए था, उसने उसको पूरी रीति से फॉलो किया, कोई भटकाव नहीं उसके जीवन में, कोई भटकाव नहीं। आज देखिए, क्या हम अपने मेंटोर को पूरी रीति से फॉलो करते हैं? नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा डिवाइड होते हैं, हम एक डिवाइडेड जीवन जीते हैं, हम इसको भी सुनते हैं, हम उसको भी सुनते हैं, ना, गलत नहीं है, पर याद रखें आपको मन से जो फॉलो करना है आपका एक ही मेंटोर होना चाहिए, समझ रहे ना, आपका एक ही मेंटोर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का कारण क्या है, उसे एलिया का अभिषेक चाहिए था, दुगना अभिषेक चाहिए था, इसलिए उसने कमर बांधकर एलिया को फॉलो किया, उसकी लाइफ को ऑब्जर्व किया, वो क्या करता है, वो कैसा जीवन जीता है, ये सारी बातें उसने एलिया की फॉलो करी, उसका लाइफ स्टाइल उसने फॉलो किया, उसने कैरी की वो सारी चीजें जो एलिया करता था। और आप देखिए, आप कंफ्यूज क्यों होते हैं, आपको मालूम, क्योंकि आप कई जगह दौड़ते हैं, आप कई कलीसियाओं में दौड़ते हैं, आप कई जगह जाते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वाला प्रचारक ऐसा कह रहा था, ये वाला प्रचारक ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, ऐसा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपका मेंटोर हमेशा एक ही रखिए, जो भी रखते हैं एक रखें, और ये देख के रखें कि वो प्रभु में है कैसा, उसका जीवन कैसा है, क्या वो समर्पण का जीवन जीता है, क्या नहीं जीता। आपका एक ही मेंटोर होना चाहिए, और उसके अंदर वो गुण होने चाहिए जो प्रभु ने ठहराए हैं, जो एक मेंटोर के अंदर होते हैं। और प्रभु कह रहे हैं कि आपको फॉलो करना है ना। आपका मेंटोर कौन है, आपको मालूम, सबसे अच्छा अगर हम किसी को फॉलो कर सकते हैं तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया।
बहुत सारे जीवनों में कमी मिल सकती है, पर यीशु में कोई कमी नहीं है। सबसे अधिक उसी की ओर ध्यान लगाना है ना। पर पृथ्वी पर हमें दिए गए हैं मेंटोर्स, और वो मेंटोर्स जो प्रभु आपको गाइड करे, आपको कमर बांध कर उनके पीछे चलना है, उनकी चीजों को जांचना है, देखना है कि वो कैसा चलते हैं प्रभु के साथ, उनका जीवन कैसा है प्रभु के साथ, उनकी लाइफ कैसी है परमेश्वर के साथ। सेकेंड स्टेप, वो कमर बांध कर अपने मेंटोर को फॉलो कर रहा था। आपको भी कमर बांध कर फॉलो करना है, इम्पॉर्टेंट है। आपको चलना है, आपको सीखनी है चीजें। ओ प्रभु का वो दास इतना प्यासा था, उसने ऐसी ऐसी चीजें उस प्यास के कारण रिसीव करी, पवित्र आत्मा का दान पाया, पवित्र आत्मा के वरदान पाए प्यास के कारण से। तो मेरे अंदर भी प्यास होनी चाहिए कि मैं खुदा से पवित्र आत्मा के प्रति इतना प्यासा रहूं, इतना प्यासा रहूं, खुदा से मांगू पवित्र आत्मा का दान, खुदा से मांगू पवित्र आत्मा का वरदान और वो मुझे देगा। प्यास होनी चाहिए। या आपका मेंटोर आपको सिखा सकता है कैसे खुदा की उपस्थिति में जाया जाता है, क्योंकि वो जानता है कैसे वो गया है, कैसे उसने पाया है। वो सारी चीजें आपको बता सकता है, आपको गाइड कर सकता है, और आपके सफर को वो इजी कर सकता है खुदा के साथ, क्योंकि वो अनुभव से निकला है। हालेलुया। इसीलिए आपको कमर बांधकर अपने मेंटोर को फॉलो करना है। तीसरा स्टेप, बाइबल क्या कहती है? बाइबल में लिखा है कि वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो ना सिर्फ एलिया के पीछे चला, वरन वो सेवा टहल करने लगा। आज आप देखिए बहुत सारे जीवनों को, हाँ, वो सेवा नहीं करना चाहते, वो सेवक नहीं बनना चाहते, वो सीधे बड़े कामों को करना चाहते, सीधे चाहते हैं हम बड़े बड़े काम करें। मेंटोर को फॉलो किया, देखा और सेवा नहीं करी, है ना। पहले सेवक नहीं बने, पर क्या बने? सीधे अपना ही कुछ शुरू करा और चालू कर दी चीजें। क्या ऐसा हमें सिखाती है बाइबल? बाइबल सिखाती है कि पहले आपको बहुत सारी चीजों को अर्जित करना है, सीखना है। पहले एक सेवक बनना सीखिए। सबसे पहली चीज है सेवक बनना। आपको मालूम, आपके प्रभु ने, यीशु मसीह ने इसी भेद को कहा, इसी बात को प्रकट किया। वो खुद कहते हैं मैं सेवा टहल करने आया, है ना। मैंने गुरु होकर, प्रभु होकर तुम्हारी सेवा करी, तो ये उचित है कि तुम भी एक दूसरे की सेवा करो। पहले सेवक बनना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम सेवक नहीं बनेंगे, तब तक परमेश्वर हमें उस लेवल पे लेके नहीं जाएगा। सेवा करना बहुत आवश्यक है। बाइबल कहती है एलिशा एलिया के हाथों को धुलाया करता था हर रीति पर। वो सेवक बना पहले, और जब वो सेवा में बन गया, सेवा भाव में आ गया, घमंड उसके भीतर नहीं रहा, किसी चीज का स्थान नहीं रहा, इतना दीन हो गया। एक सेवक दीन होता है। अगर गुरु डांटता है तो वो सहता है, अगर वो कुछ भी सिखाता है वो चुपचाप सुनता है ना, आगे आगे नहीं दौड़ता। और यही अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर खुदा का दुगना अभिषेक आए, तो याद रखें आपको ये स्टेप पूरा करना है। सेवा खुदा बहुत बड़ी आपको दे देगा, बहुत बड़ी दे देगा, पर अगर आप घमंड में पाए गए, आप सेवक नहीं बने, तो याद रखिए सेवा टहल का आत्मा आपके भीतर नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं चोट खाएंगे, कहीं ना कहीं आप नुकसान उठाएंगे। और जब ये तीन स्टेप एलिशा ने पूरे किए, बाइबल कहती है एक समय आया। मैं नहीं जानता कितना लंबा समय उसने सेवा टहल करी एलिया की। मैं नहीं जानता कितना लंबा समय रहा होगा कि वो एलिया के बस पीछे पीछे चलता रहा, बिना पूछे, बिना कुछ सवाल जवाब किए वो चलता रहा, सेवा टहल करता रहा, हाथों को धुलाता रहा, और भी जो काम होंगे शायद वो करता होगा। ये सारी चीजें वो करता रहा, जबकि परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया था। और ये बात एलिशा जानता था। एलिशा को ये बात भली भांति पता थी कि मुझे एलिया ने अनॉइंट किया है, और इतने समय में साथ चलते चलते वो ये भी जान गया अपने स्थान पर उसने मुझे अभिषेक किया है। पर इतने समय तक भी वो चुप रहा और प्रभु की बुलाहट के पूरे होने की बात जोता रहा। उस समय का इंतजार किया उसने कि जब खुदा का समय आएगा तब मेरा समय होगा और मैं काम करूंगा। हालेलुया।
वो वेट करता रहा। ऐसा नहीं हुआ कि उसने पीछे चलना आरंभ किया और छोड़ दिया एलिया को और निकल गया। नहीं, वो वेट करता रहा, वेट करता रहा, वेट करता रहा। और इसी वेट के कारण से एक समय आया कि परमेश्वर ने उसके जीवन में दुगना अभिषेक दिया। हालेलुया। बहुत सारे और भी नबी थे एलिया के स्कूल में, हो सकता है बहुत सारे और भी नबी थे। बाइबल कहती है कि 50 नबी थे, 50 नबी थे, जगह जगह पढ़ेंगे, है ना। पर कोई भी उस रीति पर एलिया को फॉलो नहीं कर रहा था, पर एलिशा ने उसको उस रीति पे फॉलो किया, ठहरा रहा, बाट जोता रहा, सेवा टहल करता रहा। अंत में क्या हुआ, उसने दुगना अभिषेक पा लिया। हालेलुया। प्रभु आपके साथ ऐसा ही करेंगे। यीशु मसीह ने स्वयं अपने डिसाइपल को भी एक बात कही कि जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना पाओ तब तक ठहरे रहना और वेट करना, पेशेंटली वेट करना, परमेश्वर का इंतजार करना। जब समय आएगा तब खुदा आपको वो देगा, उन चीजों में बढ़ाएगा जब समय आएगा। हालेलुया। पर हमारे अंदर धैर्य खत्म हो जाता है ना, कुछ समय हम प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, प्रभु के दासों के साथ चलते हैं, उसके बाद हमें लगता है अरे बस अब बहुत हो गया, इतना समय हो गया है, इतना टाइम बीत गया है, कुछ नहीं हो रहा, और हम छोड़ देते हैं। पर आपको बताऊं, जो वेट करते हैं परमेश्वर को, बाइबल कहती है परमेश्वर उनके जीवन में बड़े काम करता है ना। एलिशा ने ये तीनों स्टेप पूरे किए, फॉर्मल लाइफ का त्याग किया, अपने मेंटोर को फॉलो किया, है ना, बैठा रहा उसके साथ, संगति करता रहा एलिया के साथ, और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप उसने सेवा टहल करी। जब आप ये तीनों चीजें अपनी लाइफ में लेके आते हैं ना, अपने पुराने जीवन को छोड़ते हैं, प्रभु की संगति में बने रहते हैं, मेंटोर की संगति में बने रहते हैं, और सेवा टहल का मन रखते हैं, सेवा करने का मन रखते हैं, आपकी आत्मा सेवा करने वाली आत्मा बनती है, तो याद रखिए आप बहुत निकट हैं दुगने अभिषेक को पाने के। हालेलुया। और खुदा आपको दुगना अभिषेक निश्चय देगा, निश्चय देगा। ये तीन स्टेप जो मैंने बाइबल के भीतर परमेश्वर के वचन में सीखे, हो सकता है और भी बहुत सारे हो, पर ये इंपॉर्टेंट थे जो एलिशा ने, क्योंकि एलिशा ने दुगना अभिषेक पाया बाइबल कहती है, और इसीलिए एलिशा की लाइफ से हमें ये बातें सीखनी चाहिए, हमें ये बातें समझनी चाहिए कि कैसे हम दुगना अभिषेक पा सकते हैं और क्या स्टेप्स हैं जो हमें लेने हैं। हालेलुया। आज से पुराने जीवन का त्याग करना आरंभ करिए। जो बातें रुकावट हैं, जो बातें आप जानते हैं कि रुकावट पैदा कर सकती हैं आपकी लाइफ में दुगने अभिषेक को पाने में, आपको उनका त्याग करना है। दूसरी चीज, मेंटोर को फॉलो करते रहिए, परमेश्वर की संगति में बने रहिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए, मेंटोर की संगति में बने रहिए, आप बहुत सी बातें डे बाय डे सीखते चले जाएंगे, डे बाय डे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। दो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, सेवक बनना आरंभ करिए। सबसे पहले दीनता से सेवा करना आरंभ करिए, तब आपको परमेश्वर अपने दुगने अभिषेक से मसा करेंगे। हालेलुया। विश्वास करता हूं आपने परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखा है, और जब ये स्टेप पूरे हो जाएंगे आप निकट होंगे दुगने अभिषेक के। हो सकता है मेंटोर का अभिषेक परमेश्वर आपके ऊपर डाल दे, दुगना अभिषेक उसका आपके ऊपर डाल दे, जैसे एलिया का दुगना अभिषेक एलिशा ने पाया। हालेलुया। आप डबल अनॉइंटिंग में उन कामों को करें। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपसे बात करी है और आप इन चीजों के लिए तैयार है। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने अपने वचन से हमें इन गहरी बातों को सिखाया है, इन चीजों की शिक्षा में प्रभु आपने हमको बढ़ाया है, इसके लिए दिल से प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। चाहता हूँ परमेश्वर हर एक सुनने वाले पर आपका अनुग्रह हो, हर एक सुनने वाले पर आपकी दया हो परमेश्वर पिता। प्रभु ये दुगना अभिषेक पाए एलिशा के रीति पर, प्रभु ये उन स्टेप्स को फॉलो करें, आगे बढ़े और दुगने अभिषेक तक पहुंचने पाए प्रभु। ना तो ये गिलगाल में ठहरे, ना तो प्रभु ये बेतेल में ठहरे, वरन प्रभु ये उस अनॉइंटिंग को रिसीव करें जो आपने इनके लिए रखी है प्रभु, उस बुलाहट को थामे रहे, ये चुनाव करें परमेश्वर, क्योंकि डिसीजन हमारा ही है प्रभु कि हम कहाँ ठहरना चाहते हैं। एलिशा के पास ये डिसीजन था, वो चाहता तो ठहर जाता,
पर उसने कहा, नहीं, मुझे तो दुगना ही चाहिए। प्रभु, होने पाए कि ये भी इसी बात के अभिलाषी हो कि मुझे तो दुगना ही चाहिए, मुझे तो दुगना ही चाहिए। प्रभु, मैं विनती करता आप इन्हें डबल दें, आप दुगना मसा इनको प्रोवाइड करें। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमेन।